ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अब सुबह सुबह का वक्त है और अभी मैं जाती हूँ किचन में और शेयर करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ, तो सुबह की तैयारी करती है स्कूल के बच्चों के साथ और अभी चाय बनाती है। जी या अब बना रहे हैं हम चाय, सुबह हो गई हमारी और बच्चों ने जाना स्कूल में, हम लोग चाय बनाकर और फिर बच्चों से। जी तो अब तैयारी कर रहे हो ना, सजाओ आप लोग स्कूल की, चलो जल्दी जल्दी से ना तैयारी कर लो। कप धो रही हैं कप, हाँ जी, और वो चाय बना रही हूँ तो मैंने कहा चलो कप धो लूँ और कप में धो कर फिर बच्चों को चाय धो जी। तो बस कप है ना थोड़े हमारे पास इस सब बर्तन धुले हुए जैसे टेम्परेचर है कप रह गए थोड़े बहुत जी, मैंने कहा चलो कप धो कर और फिर चाय बना। जी जल्दी चाय भी बन गई? नहीं चाय नहीं बनी, अभी मैंने ना कप धो लिया और मैंने तो कप धोकर और फिर बाइक ले जाती हूँ जहाँ छोटा रखा हुआ तो ऐसे चाय डालकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है जी, ये देखो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना स्कूल के। जी चले जल्दी से करो। हाँ जी चावल जी, नाश्ता शुरू है, चलो कर लो जल्दी से नाश्ता। तो प्यारे बहन भाइयों बच्चे बैठ गए हैं, इधर अहमद भी बैठा हुआ है, उधर अशना भी बैठी हुई है नाश्ते के लिए और स्कूल का वक्त हो गया है। जैसे ही बच्चे नाश्ता करेंगे और उसके बाद जाएंगे स्कूल में, तो ठीक है बहन भाइयों अभी मैं खुद भी नाश्ता करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ जी बच्चों तैयारी हो गई स्कूल की, तो चले फिर स्कूल जाएं आप लोग। तो देखिए प्यारे बहन भाइयों बच्चों की तैयारी हो गई है, आप स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए बच्चों को। चले चले ठीक है, आज कैक्षा को तो बुखार है और वैसे कहना मैम को भी, मैम जी कैक्षा को बुखार है आज, उनकी तबीयत नहीं है ठीक, आज वो नहीं आएंगे स्कूल में। ठीक है चले शाबाश, आप लोग जाओ अब। वालेकुम सलाम। ठीक है तो प्यारे बहन भाइयों देखे कि बच्चे तो चले गए आप स्कूल में और अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए, और जुमे का दिन है तो माशाल्लाह से, और आज कैक्षा को हुआ बहुत तेज बुखार, कैक्षा भी आज नहीं गई और कैक्षा खेलते फिर रही है। ठीक है, और सिस्टर रुबीना की भी आज तबीयत नहीं है ठीक, आज कुछ तबीयत उनकी भी ख़राब है, वो भी इस वक्त ना रेस्ट कर रही है। प्यारे बहन भाइयों मैं अभी आई हूँ किचन में और आप लोगों को किचन का काम भी दिखाती हूँ। ठीक है, और ये रखे हुए बर्तन धोने वाले अभी, और वो आएंगी हमारी बाजी, वो धोएंगी बर्तन और वो करेंगी काम, क्योंकि मुझसे तो अभी इतना काम नहीं होता, आज सिस्टर रुबीना की भी तबीयत ख़राब है, वो भी अभी रेस्ट नहीं है। तो अभी बाजी आएंगी फिर वो घर की सफाई वगैरह भी करेंगी, बर्तन वगैरह भी धोएंगी, तो ये कुछ दिन में रास्ते इसलिए हमने उन्हीं से करवाते हैं बाजी से। और कैक्षा इधर आओ, क्या हुआ क्या चाहिए था आपको कैक्षा? ये कैक्षा मेरे साथ खड़ी हुई है, ये कैक्षा आ गई है, क्या लेना था आपने? कुछ भी नहीं, ऐसा मेरे को बनते बैठे भी करते, आप भी ठीक है? ठीक है, हम भी ठीक है। कैसे कह रही है अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आप ठीक हो गए? हम भी ठीक है। और आज इन्हें वो बुखार, आज स्कूल नहीं गई, पानी के लिए आई थी किचन में, कह रही मुझे पानी चाहिए। और मोहम्मद भी आया, अब क्या चाहिए और मोहम्मद आपको? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज हम अपना कर रहे हैं व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आज है रुबीना की तबीयत ज़्यादा ख़राब, और रुबीना इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हुई पड़ी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसके पेट के, पेट में दर्द है। ठीक है, तो आज मैंने अभी उसे डॉक्टर के लेके भी जाना है, बाकी देखिए अल्लाह खैर रखे, जो कुछ होता है दिखाता हूँ मैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आज का व्लॉग होने वाला है मेरे साथ और हो सकता है मज़ेदार हो। तो जी ये उज़्मा खुद बीमार होने के बावजूद जो है रुबीना के लिए बना रही है चाय, और ये देखिए रुबीना के लिए बन रही है चाय, क्योंकि हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, हमने तो आज टाइम से नाश्ता कर लिया, तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और इसलिए हमने कहा उनके लिए चाय बनाते हैं, चाय बनाकर उन्हें देते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन सुम्मा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी? आपकी तबीयत ठीक है? आपकी आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेहतर है, बुखार उतर गया उसका? हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह जो है ना उसे सेहत याब करे, जल्द से जल्द आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए और हम सब की मुश्किलात में आसानियां फरमाए। आमीन। और बर्तन धोए जा रहे हैं? हाँ जी बर्तन धोए जा रहे हैं। मजे हैं जी मजे। तो जी मैं गया हुआ था अभी बाहर, मैं लाया हूँ बकरों के लिए घास और
मेरे माशाल्लाह से तीनों बकरे घास में लगे हुए, और ये देखें मैं घास काफ़ी सारी ले आया हूँ। अभी इसको उठा कर रखता हूँ छाँव में थोड़ा सा, तो उसके बाद नहीं तो घास सारी सूख जाए। आज माशाल्लाह से ये देखें बाजी रियाना ने घर सारा साफ सुथरा कर दिया है, लेकिन मेरा काम है गंदा करना, क्योंकि मैं बकरों के घास वगैरह से घर को कर देता हूँ गंदा। तो आजकल बस मैं घर गंदा करने पर। देखिए मेरा ओन मोहम्मद मुझे आज तंग कर कर सो गया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है इसने। और ये रुबीना है। हाँ भाई, मैडम कैसी तबीयत? अब अभी भी है तकलीफ है पेट? अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बाकी अभी जो है डॉक्टर का टाइम हुआ नहीं है, तो जैसे किसी डॉक्टर का पता लगता है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। असल में रात लग गए थे मोशन, और सारी रात ये डायरिया हो गया था, जिसकी वजह से जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब रही है, सारी रात बेचैन भी रही है। तो इतनी बेचैनी है ना, बहुत बेचैनी अभी भी है। चले कोई नहीं, अल्लाह वारी सब, तो डॉक्टर को चेक कराते हैं फिर। कभी ठंड लग रही है और कभी गर्मी लग रही है, ये होता है, ये होता है। तो जी ये उज़्मा ले आई है चाय, और बिस्किट के साथ चाय दी जा रही है। उज़्मा भी साथ आ गई है। आज मैंने अभी चाय बनाई है, तो चाय लेकर आई हूँ। मैंने चलो अभी चाय पी के फिर मेडिसिन लेने जाएंगे। हाँ अच्छा, आज तो बहुत ज़्यादा खराब है, आज ज़्यादा बात हो रही है, बैठती हूँ तो पेन होती है, चलती हूँ फिर भी पेन होती है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है। और रात ऐसा होता है जिसम की जान ही खत्म हो गई है। मैं नाश्ता में करने लगी हूँ, तो आज है बहन भाई जी जिसने नाश्ता करने आता है, तो बात कीजिए अल्लाह ताला मुझे सेहत। आमीन आमीन। तंदुरुस्ती दे और बहन भाई के दुआओं से अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको सेहत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर रखे। तो जी ये बाजी रिहाना जो है ये हमारी पका रही है रोटियां, और बड़े अरसे के बाद मैडम रुबीना के अलावा बाजी रिहाना ने हमें नरम नरम गरम गरम रोटियां देने का फैसला किया है। तो ये दोपहर का टाइम है, और ये देखें हमारी बाजी रिहाना पकना रही है हमारे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आए स्कूल से तो वो उन्हें भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा फटाफट मैं रोटियां बना दूं, क्योंकि आज रुबीना की तबीयत है ज्यादा खराब, नहीं तो रुबीना खुद बनाती है रोटियां। तो आज बाजी ने कहा कि चलो उसकी तबीयत खराब है तो चलो मैं कर देती हूँ। मेहरबानी है बाजी आपकी। जी कैशा नहा के आई है अभी, और खाना खा लिया हुआ ना आंटी दे अन्ना ने, खाना बनाया आज, ठीक है, रोटी उन्होंने बनाई है। तबीयत मेरी तो खराब है ज्यादा, तो ट्यूशन भी जाना है ना आज जुमा, तो सब बहन भाइयों में तो उसे जुमा मुबारक। तबीयत मेरी खराब है, दुआ कीजिए, जाऊंगे भी हॉस्पिटल 3 बजे 4 बजे का मैंने टाइम लिया डॉक्टर से, तो फिर जुमा के बाद ही फिर मैं जाऊंगी। चलो ठीक हो गया, खाना खा लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद ट्यूशन की तैयारी करो। ओके हो गया ना, और बालों में अपने पोनी लगाओ। कदम जुमा पढ़ा है सर जी, तो अब माशाल्लाह खुदा ने पाक पढ़ेंगे, अपना अपनी तिलावत करेंगे। जुमे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, और माह रमजान आने वाला, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों पर अपना करम फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए। आमीन आमीन। प्यारे बहन भाइयों ये देखिए खुदम क्या कर रहे हैं, मैं जूम करके भी दिखा सकती हूँ। ये जी है अपना, अच्छा जुमे का दिन है, क्योंकि ज्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी सर खाएं खाना, तो जिस बहन भाई ने आना है आए और खाएं। भाई मैं तो खा नहीं रही हूँ, खुद हम कह खा रहे हैं, हक तो बनता है आपका कहने का बहन भाइयों को, क्योंकि आ जाए। असल में आ नहीं सकते ना, कोई मोबाइल से कोई भी नहीं आ सकता। हाँ ये लेकिन कहना तो चाहिए ना खुद, चले कुछ नहीं होता जी। जुमा पढ़ने गए थे मामू के साथ गए थे, चलो अच्छी बात है।
फिर उसके बाद आपने ट्यूशन की तैयारी करनी है। मस्जिद से तो आज छुट्टी है आपकी। तो जी हम हो चुके हैं तैयार और जाने के लिए डॉक्टर के पास, और ये हमारी मैडम जिनकी तबीयत भी पड़ी है खराब और ORS का पानी पी रही है क्योंकि इनको थोड़ा सा डायरिया का प्रॉब्लम भी हो गया था और पेट में भी बड़ी शायद तकलीफ है, अभी भी तकलीफ जो है ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अल्लाह खैर करता है, देखते हैं क्या है। देखते तो लिपस्टिक का बहन भाई मुझे सबसे पहले कह रहे थे कि आप बीमारियों में भी लिपस्टिक लगाना नहीं भूलते, ये मेरी आदत है शुरू से ही, तो लिपस्टिक मैं लगा के भी रखती हूँ। वो त्योहारों शुरू से ही आदत है ना मुझे, बचपन से आदत है। ना बचपन से तो नहीं है, शुरू से तो इसी तरह ही नहीं, 10-12 सालों से आदत होगी, शादी के बाद से ही, शादी से बाद मुझे डेली लगी रहती है लिपस्टिक। तो मेरे बहन भाई चलते हैं हॉस्पिटल और जो भी होगा मैं समझ में सामने शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मैं अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ, क्योंकि शाला मेरा बुक का लिए खड़ी ही है और मैंने जाना है, रिक्शा आ गया है, मुझसे मोटरसाइकिल में बैठ के नहीं जाया जाएगा। तो फिर हमने रिक्शा फोन करके बुलाया है, तो अब वो आ गए और अब हम जाते हैं। सब बहन भैया से शेयर करूँगी, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अल्ट्रासाउंड करवा के उन्हें जा करके असल बीमारी क्या है ताकि असल बीमारी का पता चल सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी अपनी बहन भाइयों से, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जितने भी हमें पाकिस्तान इंडिया ग्रामीण ममालिक से जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं सबको मत से अस्सलामुअलैकुम। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।